आमतौर पर सब्जियों की कीमतें मांस मछली की कीमतों से कम ही रहती हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी सब्जी है जिसकी कीमत ही इतनी है कि बड़े से बड़े अमीर भी उसे खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस सब्जी की कीमत 1000 यूरो प्रति किलो है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से ये करीब 82,000 रुपए प्रति किलो पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सब्जी में ऐसा क्या है जिससे इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं? तो चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इस सब्जी का नाम है हॉप शूट्स और इसके जो फूल होते हैं उसे हॉप कॉर्न्स कहा जाता है। दरअसल इसके फूल का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है, जबकि बाकी टहनियों को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। महंगी होने की वजह से शायद ही ये सब्जी किसी बाजार या स्टोर में दिखती हो। हॉप शूट्स औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पर भी किया जाता है। दांत के दर्द में ये काफी कारगर होता है। इसके अलावा टीवी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें एंटीबायोटिक के गुण पाए जाते हैं। हॉप शूट्स को लोग कच्चा भी खाते हैं, हालांकि ये काफी कड़वा होता है। इसकी टहनियों का इस्तेमाल सलाद के तौर पर किया जाता है। इसका अचार भी बनाया जा सकता है जो खाने में काफी स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। हॉप शूट्स के औषधीय गुणों की पहचान सदियों पहले हो गई थी। करीब 800 ईस्वी के आसपास लोग इसे बियर में मिलाकर पीते थे और ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है। सबसे पहले इसकी खेती उत्तरी जर्मनी में शुरू हुई और उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इसकी खूबियों को देखते हुए 18वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में इस पर टैक्स भी लगाया गया था। साथ ही ये भी अनिवार्य कर दिया गया था कि बियर बनाने में इसका इस्तेमाल जरूर हो ताकि उसका स्वाद बढ़ जाए। मार्च से लेकर जून तक हॉप शूट्स की खेती के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। इसका पौधा नमी के साथ साथ सूर्य का प्रकाश मिलने से बहुत तेजी से बढ़ता है। कहते हैं कि एक ही दिन में इसकी टहनियां 6 इंच तक बढ़ जाती हैं। इसकी एक और विशेषता ये है कि शुरुआत में इसकी टहनियां बैंगनी रंग की होती हैं, जो बाद में हरे रंग में बदल जाती हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।